अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। इंशाल्लाह आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं करने वाली हूँ अवन की अनबॉक्सिंग। तो ये देखिए, ये अवन है आसिफुन उषा का उषा का। ओवन टोस्टर ग्रिल 19 लीटर का है, ओटीजी वाला। 19 लीटर का है, ओटीजी वाला उषा का है, और टोस्टर और ग्रिल। बीच बीच में अगर मैं कहीं पर रुक जाऊंगी तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आसिफ बोलेगा। तो ये खोलते हैं। ये मैं इधर पे खोल रही हूँ। ये मैं लेके आके कम से कम मुझे 20 दिन के ऊपर ही हो गया है इसको लेके आके, और मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने ही वाली थी, मगर अम्मी का ऐसे हो गया करके मैं इसकी अनबॉक्सिंग नहीं कर पाई, ऐसे ही इसे रख दी। और दूसरी बात, ये ज्यादा महंगा नहीं है। इसका रेंज है, क्या रेंज में आती? 7000, 7000। 7000। मैंने इसे कैश में ही ली हूँ, कहाँ से लिए थे? अच्छा, आरसीटी मॉल क्रोमा से मैंने इसे ली हूँ। तो इससे तुम्हारे भाई निकालेंगे बाहर, जब तुम निकालो शर्ट पहन लो, तुम्हारे भाई खड़े हैं। इसका बॉक्स मुझे काम आएगा। इसके अंदर मेरे रेसिपी के जो बर्तन मैंने अभी न्यू वाले ली हूँ वो सब बर्तन मैं ये ऊपर वाले बॉक्स में सब डाल के ऊपर कोट माले पे रखने वाली हूँ। ये काफी काम में आने वाला है ये बॉक्स मुझे, क्योंकि जो रेसिपी के बर्तन होते हैं। निकालो जल्दी से, इसमें क्या क्या मिला है और क्या क्या है ये सब मैं आप लोगों को ऐसा पूरा। बॉक्स निकाल दे दो। ये देखिए, ये देखिए, 2 साल की वारंटी भी है, 2 साल होम की, सर्विस फ्री। 2 साल की वारंटी है, होम सर्विस फ्री है। और इसके साथ में मुझे और क्या क्या मिला है मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये इसका कुछ वारंटी कार्ड है। उषा का बेस्ट होता है, उषा कंपनी जो है वो बहुत ही पुरानी है काफी। ये कुछ उसका वारंटी कार्ड है, तो इसे हम साइड में रख देंगे। और ये कुछ उसके सब मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या क्या चीजें हैं। ये तो इसका ट्रे पकड़ के ऐसे निकालने वाला है, और ये इसका कुछ है लगता है, मैं आपको बताती हूँ बाद में। इसे भी साइड में रखेंगे। ये भी स्लाइन है लगता है, ये सीख भी को टोस्ट ये करने की सीख भी बनाने की लगता स्लाइड है। ये इसके अंदर पैक है, नहीं ये निकलेगा, मगर ये तो क्रे है, ये क्रे है नीचे का। और ये इसको खोलो जरा, ये निकालो। हाँ राउंड राउंड, ऐसा राउंड, इसमें तंदूरी बिंदूरी इसमें लगा के अपन राउंड घुमा सकते हैं वैसा है। ये भी निकालने वाला ये लग रहा है मुझे कुछ। हाँ ये ऐसा रखने वाला है, निकल लो तो मैं देख लूँ पहले। ये मुझे लग रहा है कि ये इसके अंदर ऐसा फिट करने वाला कुछ तो है, अभी वो आइडिया नहीं है, देखते हैं क्या है। अभी वो डेमो के लिए आने वाले हैं, वो डेमो के लिए उस दिन मुझे कॉल किए थे डेमो के लिए, तो मैं घर पे नहीं थी तो मैं उनको रिटर्न भेज दी। अभी मैं कॉल करके उनको डेमो के लिए बुलाऊंगी तो मुझे सब पता चल जाएगा कि ये क्या क्या है करके। क्रे मिला है, क्रे काफी बड़ा है और काफी अच्छा है। केक पिज्जा और बिस्किट वगैरह बनाने के लिए काफी अच्छा होता है।
तो ये रहा, ये रहा मेरा ओवन, ये रहा ओवन, ये रहा ओवन, ये देखो बेकिंग टोस्ट एंड ग्रिल सब है इसमें, सब होगा। ये कम जगह में, जैसे कि ये कम जगह में एडजस्ट हो सकता है, और जैसे कि इसमें केक वगैरह अच्छा अच्छी तरह से बनेगा, बिस्किट नान कटाई ये भी अच्छे से बन जाएगी। और इसमें पहले ये फंक्शन नहीं था क्या तंदूरी बिंदूरी का, पहले भी मेरे पास था मगर उसमें तंदूरी वगैरह नहीं होती थी, दो कुछ 5 साल पहले का, तो उसमें केक वगैरह ही बनता था मगर वो खराब हो गया था। और अभी मैंने इसको ली हूँ तो इसमें ये मतलब ये दिया हुआ है कि इसमें तंदूरी या चिकन ये सब भी हम इसमें तंदूर कर सकते हैं, तंदूरी रोटी भी इसमें हम बना सकते हैं। देखो इधर लोगो दिया है, केक पनीर पिज्जा ये सब चीज आप बना सकते हैं। हाँ ये सारी चीजें हम इसमें बना सकते हैं। और ये मतलब अगर हम अगर हाउसवाइफ लोगों के लिए ये वाला ओवन एकदम बेस्ट है, क्योंकि हम कुकिंग तो गैस पे भी कर सकते हैं, और जो मतलब जो जॉब करते हैं जॉब करने वाले लोगों के लिए तो फिर वो वाला ओवन ठीक रहता है। कौन सा थे? माइक्रोवेव। हाँ क्योंकि उसमें कुकिंग वगैरह सारी हो जाती है, और हम हाउसवाइफ लोग तो हम तो कुकिंग तो गैस पे भी कर सकते हैं। हम तो सिर्फ केक वगैरह बनाने के लिए हमें ये लगेगा। मैं अच्छी तरह से इसे निकाल कर बताती हूँ। वो दे दो मेरे को इसके ऊपर, ये दे दो इधर पे इसके ऊपर रख देते। तो इसका जो वायर है वो भी काफी बड़ा है और एकदम अच्छा क्वालिटी का है। ये देखिए एकदम अच्छे क्वालिटी का वायर है इसका, और ये इसके कुछ बटन दिए हुए हैं अंदर से भी आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये अंदर से एक प्लेट है, इसे साफ करना भी काफी आसान है। इसके अंदर एक लाइट भी है, जो पहले वाला जो ओवन था मेरा उषा का ही था उसके अंदर लाइट नहीं थी। वो काफी मतलब 5 साल तक का अच्छे से चला मगर उसका ये जो ढक्कन है वो खराब हो गया था, इसीलिए मुझे उसे बदली करना पड़ा था। और पहले वाले में लाइट नहीं थी, अभी लाइट भी इसके अंदर दी गई है। तो ये प्लेट है, ये भी प्लेट है। ये प्लेट के बारे में कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये भी कुछ प्लेट ही है इसकी इधर पे। ट्रे हाँ ट्रे है। ये रॉड है, जब हम तंदूरी ये करेंगे रॉड को हमें कैसे एडजस्ट करना है वो तो हमको वो आके बताएंगे कि कैसे घूमेगा क्या है कुछ, तो ये सब सामान इसमें लगेंगे शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो जो आएगा वो कौन आते आते वो बता देंगे, डेमो के लिए जब आएंगे तब वो मुझे बताएंगे कि ये रॉड वगैरह कैसे इसमें लगाना है, ये सब सारी चीजें मुझे उन लोग बताएंगे। तो ये ओवन बहुत ही अच्छा है, मैं इसमें आप लोगों को तंदूरी बनाकर जरूर बताऊंगी। और सबसे पहली बात तो ये कह देना चाहती हूँ मैं आप लोगों को, ये ओवन मेरे किचन को मैच हो गया है, जो मेरे किचन का जो फर्नीचर का जो इसका कलर है और ये मेरे ओवन का कलर एकदम सेम हो गया है, और मुझे बहुत पसंद आया ये ओवन। और मैं बहुत परेशान थी ओवन को लेके, क्योंकि मेरे को मैंने पहले से मतलब लादी फिक्स करके रखी हुई थी और मुझे ओवन कोई मिल रहा ही नहीं था, सब मिल रहे थे तो सब बड़े बड़े साइज में मिल रहे थे,
और वो जो ओवन कौन सा वो ओवन है? एलजी नहीं, जिसमें पीछे वो ये रहता फैन, वो माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव उसमें जगह बहुत जाती है, उसमें पीछे बहुत जो फैन था और फैन की वजह से मेरी लादी पर बैठ रहा नहीं था, काफी आगे आ रहा था या लादी मुझे चेंज करने पड़ी थी, तो फिर मेरे को अचानक से ये वाला ओवन दिख गया तो मैं काफी खुश हो गई और इसमें इतने सारे फंक्शन नहीं कर तंदूरी वगैरह सब कुछ इसमें हो जाती है तो मैं एकदम खुश हो गई। मैं बोली चलो मेरे मन पसंद मुझे मिल गया। तो देखिए केक बनाऊंगी, इसमें बिस्किट बनाऊंगी, नान कटाई बनाऊंगी और तंदूरी बनाऊंगी। और चलिए कैसा लगा आप लोगों को मेरा ओवन बताना? और चलिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना और फिर मिलती हूँ आप लोगों को एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में और एक अच्छी सी ओवन की रेसिपी के साथ में। तो इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मुझे यूट्यूब पे फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना भूलना मत। अल्लाह हाफिज।